हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आज हम लोग जा रहे हैं एनी टाइम फिटनेस, जो बरेली में खुला है, नया जिम है। एंड अब आगे से जो भी आपको वीडियोस मिलेंगी वो उसी जिम की मिलेंगी। तो एनी टाइम फिटनेस का ये कॉन्सेप्ट है कि वो पूरे दिन खुलता है एंड हर दिन खुलता है, मतलब अगर कोई गवर्नमेंट हॉलीडे नहीं है उसके अलावा। तो वो तो अच्छी चीज़ है, टाइम की तो कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरी चीज़, अब देखते हैं कि मशीन्स कैसी हैं एंड क्या क्या एरिया है, किस तरीके से है। जो भी होगा ऑनेस्ट बताऊंगा, एक तरीके से रिव्यू वीडियो है। एंड फिर आपकी मर्जी, आप देख लो कि अगर आपको ज्वाइन वगैरह करना है उस तरीके का, अगर आपके बजट में हो। सो लेट्स गो, अभी देखते हैं अंदर जाके कैसा रहता है। लेट्स गो बेबी। तो आप देखोगे तो ये सेकंड फ्लोर पे है जिम, तो एलिवेटर्स हैं। बट आई डोंट थिंक कि आपको जिम में ना मतलब लिफ्ट्स वगैरह चाहिए, एलिवेटर्स चाहिए, बिकॉज सिर्फ कॉन्सेप्ट ही क्या भाई जिम आने का। बट कोई बात नहीं, है तो सही है, जो लेग डे वगैरह करके उनको लगे कि भाई गिरने वाले हैं हम, तो उनके लिए अच्छी चीज़ है। बट अगर है आपके यहाँ पर एलिवेटर्स या लिफ्ट, तो आई वुड रिकमेंड कि आप स्टेयर से जाओ, अपने स्टेप्स कंप्लीट करो, कि भाई ये तो नॉर्मल फिटनेस है ना यार। तो ये रही आपकी की, एंड आप इस पर कनेक्ट करके लेट्स गो। तो ये आप देख सकते हो, ये आपका मतलब एक रिसेप्शन हो गया, एंड देन अब अंदर जिम है। सो लेट्स गो। तो ये पूरा जो सेक्शन है ना, ये कार्डियो का है यहाँ पर। तो अगर आप देखोगे सो ट्रेडमिल, क्रॉस ट्रेनर, फिर ट्रेडमिल, एंड देन आपका वो रहा स्टेयर मास्टर। वो मुझे बहुत पसंद है बहुत ज़्यादा, क्योंकि मैंने वो उसको ऐसे यूज़ नहीं किया है। नहीं, हम लोगों ने गरीबी देखी है। ये रहा आपका साइकिल। अब साइकिल का अगर आप देखोगे तो इसमें एक है जिसमें आपका बैक सपोर्टेड है, ये मुझे बहुत पसंद है, बहुत मज़ा आता है इसमें आराम से आप बैठ के करो। इसमें आपका बैक सपोर्टेड नहीं है, बट ये भी मतलब सिमिलर एक साइकिल हो गई। एंड लाइटिंग वगैरह एक नंबर पूरा यहाँ से। एंड अब यहाँ देखोगे ये आपका हैमस्ट्रिंग कर्ल्स। एंड दूसरी चीज़, ये जो मशीन्स हैं ये लाइफ फिटनेस की है, विच इज़ योर इंटरनेशनल ब्रांड, एंड वो उसी के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग है। एंड सारी चीज़ें बहुत बढ़िया हैं, आपका आराम से स्विच वगैरह सारी चीज़ें कर सकते हो। जो मशीन्स में वेट है वो 125, मोस्टली जो मशीन्स रहती हैं ना वो 100 केजीज़ रखती हैं। तो आप जैसे लेग एक्सटेंशन हो गया तो उसमें आप मैक्स आउट कर देते हो बहुत ईजिली। सो ये रहा लेट पुल डाउन। सो फॉर एग्जाम्पल आपने ये किया ना, तो मशीन तो है ही अच्छी ऑब्वियस है, बट जो इसका एंगल है ना, ये आप देखोगे तो ये अपने हाथ के अकॉर्डिंग होता है सब, मतलब ये फिक्स नहीं रहेगा, जैसे स्ट्रेट नहीं है, आप ऐसे करके पुल कर रहे हो तो लेट्स आपके और अच्छे से इंगेज होंगे। फिर ये आपका अडक्टर और अबडक्टर, इनर थाइस एंड ग्लूट्स, एक नंबर, बहुत बढ़िया लोड आता है भाई, मज़ा आ जाता है। और फिर अगेन योर पैक डेक फ्लाई, और साथ में रियर डेल्स भी कर सकते हो। और एक चीज़ और पास लाना आप एक बार, अगर आप देखोगे तो ये ना रेप्स काउंट करता है, ये मैं दिखाता हूँ आपको। अब अगर आप देखोगे तो इसमें रेप्स काउंट होते हैं, इसमें आपका टाइम भी दिखेगा एंड आपके रेप्स भी दिखेंगे कितने कर रहे हो। जैसे बहुत सारे लोग भूल जाते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैं वीडियोस बना रहा हूँ तो मैं भूल के कितने रेप्स कर रहा हूँ, तो उसमें मैं आराम से काउंट कर सकता हूँ। एंड आप टाइम अंडर टेंशन भी देख सकते हो कि भाई अगर मैं 16 रेप कर रहा हूँ तो सिर्फ 10 सेकंड में होगा या 20 सेकंड में, नहीं, मसल ग्रो करनी है, टाइम अंडर टेंशन बढ़ाओ तो वो यहाँ से आप ट्रैक कर सकते हो। देन इज़ योर लेग एक्सटेंशन, 125 kgs है, अगर आप 125 kgs मैक्स आउट कर लोगे बहुत बढ़िया, फिर आप सिंगल लेग से जाओ, उससे मैक्स आउट करने का ट्राई करो। सो एडेड बेनिफिट। तो जैसे ये रहा आपका रोइंग, तो मशीन पे तो आप इसमें ना इतना ईगो लिफ्ट नहीं कर पाओगे, जैसे आपने अगर देखी होगी पुरानी वीडियोस मेरी, तो मैं उसमें वेट डाल के प्लेट्स वाली जो रहती हैं उसमें मैं आराम से आप ईगो लिफ्ट भी कर सकते हो, तो हैवी लिफ्टिंग ज़्यादा हो जाती है। अब इसमें आप अगर ट्राई भी करोगे ना तो मशीन आपको अलाउ नहीं करेगी, बट अच्छी चीज़ है, तो नो प्रॉब्लम, आपकी फॉर्म टेक्निक काफ़ी इम्प्रूव होगी इससे। एंड ये रही आपकी चेस्ट प्रेस, तो आपका यही लोअर चेस्ट या फिर आपका मिड चेस्ट के लिए है ना, आप एंगल देखो बहुत Easy. वेरी गुड। एंड दूसरी एक चीज़ और, जो इसकी जैसे सीट्स वगैरह है ना, तो अगर जैसे स्वेट आ रहा है आपको तो ये इतनी जल्दी एब्जॉर्ब होगा सारी चीज़ें ना, आपको महसूस ही नहीं होगा कि आप बैठे थे, बट हाँ आपको क्लीन ज़रूर करना है। एंड ये रही जो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आई, अब आप देखोगे इसका एंगल, एक ये है एक ये है, एंड कोई भी अगर आप डंबल प्रेस कर रहे हो, चाहे चेस्ट पर करो या शोल्डर पर, सो यू हैव टू मेक श्योर कि आपका जो हाथ का है ना वो स्ट्रेट ना रहे, ऐसे नहीं रहे, इट हैज़ टू बी लिटिल बिट ट्विस्टेड,
तो आप ऐसे करके करोगे जिससे आपके जो रोटेटर कफ्स हैं उनमें दिक्कत ना आए। तो जो इसका ये वाला एंगल है ना, अब आपने रखा, ये ऑलरेडी इनबिल्ट है क्योंकि बाहर की मशीन है, वहाँ पे इस चीज़ के बारे में पता है। यहाँ पे बॉडी बिल्डर्स रहते हैं इंडिया में तो वो नहीं, बाहर प्रॉपर है, एंगल ये है, तो आपको ना ही रोटेटर कफ ना ही कुछ, अपने बैक में आर्च बनाया, ईजी, बहुत सही चीज़ है ये, और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो एक नुकसान बस मुझे एक चीज़ लगी पूरे उसमें जिम में, दैट इज़ पुलअप्स के लिए है, पुलअप्स के लिए बहुत नुकसान है। दूसरी जगह भी है वो भी दिखाऊंगा, बट वहाँ पे भी उतनी स्पेस नहीं है, बट यहाँ पे बहुत ऊपर है, चाहे आप लंबे भी हो तो अभी दिक्कत होगी, तो मैं किसी ने चीज़ पे खड़े होकर फिर चढ़ता हूँ। एंड रही बात स्क्वाट रैक की, दो रैक हैं, एक स्मिथ मशीन है, कोई दिक्कत ही नहीं है। दूसरी चीज़ जो बार है ना, जो आपका बारबेल है, ये 20 kg ऑब्वियसली, एंड इसकी जो नर्लिंग है बहुत तगड़ी हुई हुई है, बहुत अच्छी। तो आप अगर स्क्वाट कर रहे हो, डेडलिफ्ट कर रहे हो, तो आपकी ग्रिप कभी छूटेगी नहीं, एंड ये ट्राइड एंड टेस्टेड है। बाकी वेट्स और एक और बेनिफिट, एक और विच इज़ 1.25 kg प्लेट्स, मुझे जिम में ले जानी पड़ती थी बनवा के अपने आप, जो मेरे पास रखी है, बट यहाँ पे ऑलरेडी है, तो यस, लॉक्स भी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड देन ये आपका प्रीचर के लिए हो गया कर्लिंग, तो आप अपने आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगेन सेम थिंग, ये आपका स्क्वाट रैक है, आप इस पर बेंच करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैंने बेंच भी आप कर ही सकते हो इस पर, क्योंकि बेंच की सेपरेट नहीं है कि पूरी मशीन हो। बहुत अच्छा किया, क्यों, अपने हिसाब से एडजस्ट करो, डिक्लाइन करनी डिक्लाइन करो, इंक्लाइन करनी इंक्लाइन करो, और आपको फ्लैट करनी फ्लैट करो, बेस्ट। सो हाइपर एक्सटेंशन, अब हाइपर एक्सटेंशन में ना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रहती है, वो रहती है कि आपको ना ये जो पैड होंगे वो मतलब अच्छे हों, और कुशन जो ना आपको ना चुभे ना, तो ये आराम से अच्छा खासा मोटा है जिसमें आपको चुभेगा नहीं, एंड आप अच्छे से हाइपर एक्सटेंशन कर पाओगे, या फिर अगर आपको ग्लूट्स या हैम्स के लिए करना है तो। अब आपकी रही स्मिथ मशीन, अगेन बार हैवी है प्रॉपर वाला, ये नहीं कि उल्टा सीधा वेट है इसका, अच्छी चीज़ है, तो बढ़िया, अगर आपको करनी है करो। डंबल्स यहाँ पे ये रहे पूरे 5 kg से, 40 kg हैं, इनफ है। और दूसरी चीज़ इसका जो अगर आप देखोगे जो बार है ना छोटा वाला, ये इतना है मतलब मोटा है, इससे क्या होता है आपका कि जब आपका हैवी वेट पे पहुँचते हो ना, तो उसमें बैलेंस नहीं ख़राब होता, और वो चुभते नहीं है हाथों में, प्रीवियस जिम्स में जैसे ना वो चुभ रहे थे, तो इस वजह से दिक्कत होती है उठाने में जब आप हैवी पहुँचते हो, तो ये अच्छा है। तो 40 वगैरह भी अगर आप करोगे तो प्रॉपरली होगा, क्योंकि मोटी ग्रिप है तो आप पकड़ पा रहे हो। बेंच अराउंड 3-4 हैं विच इज़ एडजस्टेबल, अब यहाँ से अच्छे से प्रॉपर है, बहुत बढ़िया। अगेन फिर केबल, अब एक और नुकसान विच इज़ योर कि जो प्रॉपर ओरिजिनल जो OG लेट पुल है ना वो नहीं है, तो अगर आप चाहो तो आप इस पर लेके कर सकते हो, बट इसमें वेट फिर पता नहीं चलता, तो इसलिए मैंने इसको मैं नहीं कर पाऊँगा। तो या तो आप सिंगल आर्म ले लो वेट डाल के, अदरवाइज़ आई डोंट थिंक कि यहाँ पर लेट पुल अच्छे से हो पाएगा, वरना आपकी वही जो नई वाली मशीनें दिखाई दी ना मैंने, उससे कर सकते हो। बाकी हैंडल्स डिफरेंट डिफरेंट तरीके के हैं, रोप है आपके ट्राइसेप्स के लिए हैं, तो वो इनफ है। और जिसको अगर अब देखो सारी चीज़ें हो गई, फिर देखो पुलअप्स का कहाँ पे है, ठीक है, तो वो कुछ तो है शायद, ये बाहर के हिसाब से, शायद अफ्रीकन वगैरह के हिसाब से मशीन्स बनाई थी कि वो होंगे 7-7, 8-8 फिट के। एंड देन आपका डायमंड बार, तो फार्मर्स वॉक, और जिसको अपनी लोअर बैक एंगेज नहीं करनी थी डेडलिफ्ट में, तो इसको यूज़ करें, मैंने बहुत मिस किया, एटलीस्ट 2-3 साल बाद कर रहा हूँ यूज़, तो अच्छा है। बाकी अगेन काफ़ी रॉड्स हैं, ईजी बार भी है, नॉर्मल स्ट्रेट बार भी है, एंड ये वाली भी हैं। जब आपकी जिम में ये वाली मशीन हो ना, मतलब ये वाली बार हो, तो इसका मतलब ये होता है कि जिम एक्सपेंसिव है। तो वो तो हो गया ईजी बार, या आपके स्ट्रेट बार वो भी फिक्स वाली हैं, तो इसमें आपको ना फिर ना लॉक लगाने की ज़रूरत है, ऑलरेडी वेट फिक्स्ड है, क्योंकि इसमें इतना लोग हैवी नहीं जाते। नाउ कम्स योर लेग प्रेस, वेल बिल्ट स्ट्रॉन्ग है काफ़ी, एंड अगेन वेट्स आप डाल सकते हो 25-20 जो भी है, तो बढ़िया। इस पर आप काफ्स भी करो, नो इशू, बहुत बेहतरीन। तो ये रहा डेडलिफ्ट का प्लेटफॉर्म, आप आराम से इस पर डेडलिफ्ट करो, ठीक है, तो ये पूरा सॉर्टेड है, आपका डेडलिफ्ट का अच्छा खासा एरिया है, ना आप किसी को दिक्कत दोगे, ना आपको कोई दिक्कत होगी, आराम से एकदम बिल्कुल मास्टर बन के पीछे, एनी टाइम फिटनेस का आपका लोगो भी दिख रहा है। तो ये थोड़ा सा पंचिंग बैग एरिया हो गया आपका, डंडे हैं,
बैंड्स हैं, अलग अलग तरीके के बेल्ट्स भी इनकी खुद की सारी हैं, और आप बढ़िया सारी चीज़ आप कर सकते हो। और यहाँ पे छोटे डंबल्स भी हैं, तो फॉर एग्जांपल आप वार्म अप में लेना चाहो, या फिर आपको जो मतलब नए हैं बिगनर्स हैं उनके लिए भी इनाफ है। बॉक्सिंग के लिए अगर कोई करना चाहे तो अच्छी चीज़ है, आपका फोरआर्म। और अच्छा, ये आपका पुशअप्स के लिए है, अगर आपको डिफरेंट डिफरेंट वेरिएशंस करके करने तो वो भी आप टारगेट कर सकते हो यहाँ से। फिर आपका स्विस बॉल्स, ऊपर कैटल बेल्स हो गए, डिफरेंट डिफरेंट तरीके की बॉल हो गई आपकी, फोम रोलर मच नीडेड, बैक स्टांग के आप भागो, अच्छा रोप भी है। एंड यहाँ पर अगर आप देखो ना, ये भी रहा पुलअप्स का, मैं बोल रहा हूँ ना अफ्रीकन्स के लिए बनाया गया है भाई ये सब चीज़ें। और हाँ, बस थोड़ी सी चीज़ें ये है, अब मैं डिप्स अगर करने हैं तो मैं इधर, अब अगर आप जानते हो मैं डिप्स वेटेड करता हूँ, तो इधर थोड़ा सा स्केरी है, बट हल्के हल्के करके करेंगे जुगाड़ कुछ। सो ये रहा मेरा फेवरेट एरिया, आइए आपका इंतज़ार था। तो ये मतलब आप यहाँ पे स्ट्रेचिंग करो, वार्म अप करो, और जो ये फ्लोर है ना, ये शॉक प्रूफ है, तो अगर आप कोई एक्सरसाइज या कैलिस्थेनिक्स या कुछ भी कर रहे हो और गिर गए तो वो शॉक वाला सीन नहीं आएगा, जिस वजह से आपके जॉइंट्स वगैरह में दिक्कत होती है, तो ये शॉक प्रूफ है विच इज़ गुड। ये रहा बॉक्स, इस पर जंप करो, पुशअप्स करो, एब्स करो, जो करना है करो, छोटे छोटे पैरेलेट्स जो आपको बचपन में देखे होंगे आपने वो वाला, और ये कार्डियो का, और सबसे क्यूट कैटल बेल 8 kg अराउंड, शायद 20 kg तक है, एंड इतनी क्यूट है भाई ये, क्या ही बताया जाए। और घूम गया, वेरी नाइस। और ये स्टेपर्स हैं डिफरेंट डिफरेंट, म्यूजिक छोड़ो, और मस्त चीज़, इन्होंने स्ट्रेचिंग का लगा रखा है कि कौन कौन सी स्ट्रेचेज हैं वो टारगेट करती हैं, तो जिसको नहीं पता है वो यहाँ से देख सकता है, मेरी वीडियो ऑलरेडी है जो मैंने स्ट्रेचिंग की डाल रखी, तो अगर आप चाहो तो देख सकते हो। ये दूसरा बॉक्स, अब आपको आराम से रिलैक्स करना है, रिलैक्स करो, जो करना है करो, सो दिस इज़ वेरी गुड। ये काफ़ी अच्छी जगह है, डांस भी लोग करते हैं तो वो कर सकते हैं, योगा करना है योगा करो। एंड बाकी ये रहा आपका चेंजिंग रूम, मस्त एक नंबर लाइटिंग है भाई, बेहतरीन, ओह शाबाश, बहुत बढ़िया। एंड ये फीमेल का है, एक और चेंजिंग रूम है, ये फीमेल का है, ये मेल फीमेल दोनों। ये आप शावर लेना चाहो, शावर एरिया है तो शावर ले सकते हो, ऐसा 3-star 5-star वाला हिसाब, बेहतरीन, आराम से नहा धो के जाओ, गीज़र लगा हुआ है अगर ठंडा लग रहा है तो। सो ये दोनों का है शावर एरिया, ये सिर्फ मेल का है, इधर सिर्फ फीमेल का है शावर एरिया, तो दैट इज़ देयर। एंड यहाँ पे आप अपने दिखा देगा, यहाँ पे आप अपने बैग्स रख सकते हो या शूज़ वगैरह जो भी है, तो काफ़ी स्पेशियस है एंड इनफ है। एक बार पोज करते हैं यहाँ पे, है यहाँ पे देखो क्या लिखा है, मैनेजमेंट विल नॉट बी हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर एनी मेंबर बाइंग सप्लीमेंट्स फ्रॉम द ट्रेनर्स, ठीक है, क्लियर इंस्ट्रक्शंस, पर्सनल सिक्योरिटी डिवाइसेज आर रिकमेंडेड टू बी वोन एट ऑल टाइम्स ड्यूरिंग योर वर्कआउट, जैसे किसी को कुछ इशू है हार्ट वगैरह का रहता है तो उसके लिए अगर पहनना चाहो। एंड देन कम्स नो स्मोकिंग, नो एल्कोहल एंड नो स्टेरॉइड्स, तो अगर आपने स्टेरॉइड्स वगैरह कुछ उस तरीके का यूजेज हो रहा है या दिख गया कुछ भी है तो आपको मैं दिखाता हूँ, ये उनके साथ मतलब जिम जो ओनर्स हैं ट्रेनर्स हैं उनको लेके, एंड मैं खुद भी आऊँगा इसमें ले जाके, इतना कूटेंगे ना समझ लेना बस। तो ये सब रहा कि लाइटिंग वगैरह काफ़ी अच्छी है, काफ़ी बेहतरीन है, मज़ा आएगा आपको जो आगे वर्कआउट्स मिलेंगे देखने के लिए। और एक अंदर रूम भी है, तो वहाँ पे आपका कुछ अगर आपको चेक करना है तो शायद आपका BMI वगैरह वेट वगैरह, तो उसके लिए सेपरेट रूम बना रखा है, तो वहाँ पे आप देख सकते हो। तो अभी तो जैसे अगर आप देखोगे ना, इतना कोई रश वगैरह नहीं है, बट अगर मान के चलो इसमें अगर लोग आने लगे एंड ज्वाइन किया, या फिर एक टाइम पे ज़्यादा लोग आ गए, तो अगर उधर का स्पेस देखोगे ना, वेट ट्रेनिंग है तो उधर उतनी स्पेस नहीं है, तो वो थोड़ा सा एक मतलब आप बोल सकते हो कि एक डिसएडवांटेज है। तो अगर जैसे मान के चलिए काफ़ी ज़्यादा लोग आ रहे हैं और मशीन जैसे केबल क्रॉस एक है, उसी पे लोग फ्लाइज कर रहे हैं, केबल क्रॉस कर रहे हैं, रोप पुश डाउन कर रहे हैं, तो दिक्कत होगी। एंड दूसरी चीज़, अगर आपके बजट में हो रहा है या फिर जो भी इनके ऑफर्स वगैरह चलते हैं तो भाई ले लो, देखो महंगा तो है बट आपको उसी तरीके से आपको क्वालिटी भी मिलेगी। ट्रेडमिल्स वगैरह आप देख लो कितनी सारी हैं, उनको भी पैसे चाहिए ना, और मशीन जो इंटरनेशनल है, ट्रेनर्स वगैरह हैं, आप लो या नहीं लो आपकी मर्ज़ी है, बट हाँ ये रहा आपका
रिव्यू, बाकी आप वीडियोस देखते रहो आगे की, उसमें मैं आपको दिखाता रहूँगा किस तरीके से कैसी चीज़ें यूज़ हो रही हैं। एंड आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। एंड चीज़ें जो भी है मैंने तो भैया ऑनेस्ट रखा है, मशीन सही थी, जो भी चीज़ें मुझे लगी खराब, जैसे लाइट पोल हो गया, ओरिजिनल वाली लाइट पोल नहीं है मैंने बोला, बट हाँ ये कुछ ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ तारीफ़, बट हाँ फैक्ट है भाई अच्छा है, बट स्पेस उतना नहीं है जितना एक्चुअल में होना चाहिए। और अगर इनसे कहो कि यार कि थोड़े पैसे थोड़े बहुत कम कर लें, वरना मेरी जेब से क्या जा रहा है। ठीक है, अगले वीडियो में मिलते हैं, खुदा हाफिज़।